नाजरीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह कराते हैं। श्रीनगर के नवगाम बाईपास पर मिलिटेंटो की तरफ से पुलिस पार्टी पर हमला किया गया है। इस हमले में अभी तक की मिली इतला के मुताबिक दो पुलिस एहलकार अपनी जान गंवा चुके हैं और एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुआ है। मजीद इसी हवाले से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है इरफान तिलगामी। इरफान, आप हमें बताइए कब ये हमला हुआ और इस वक्त की क्या सूरत हाल है श्रीनगर में? जी आशिक, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर कश्मीर की बात की जाए, खुसूसन अगर दारुल हुकूमत श्रीनगर की बात की जाए, तो यौमे आजादी के पेश नजर हाई अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन मिलिटेंटों ने जो आज सुबह श्रीनगर के नौगाम इलाके में पुलिस पार्टी पे हमला किया, जिसमें पुलिस के तीन एहलकार जख्मी हो गए। हालांकि पुलिस जराये से मिली इतला के मुताबिक तीन में से दो पुलिस एहलकारों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि तीसरा जो पुलिस एहलकार है उसे SMHS हॉस्पिटल श्रीनगर में जहर इलाज रखा गया है, जहाँ पे उसकी हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है। जी आशिक। इरफान, ये भी बताइएगा कि ये जो पुलिस एहलकार इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, इनकी कोई शिनाख्त हो चुकी है पुलिस जराये से? आपको कुछ मालूम हुआ है इनके बारे में? जी 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 आशिक, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो है दो पुलिस एहलकार जिन्होंने अपनी जान इस हमले में गंवाई, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है, जो इनकी शिनाख्त हुई है, वो इशफाक अहमद और फयाज अहमद के बतौर हुई है। और हालांकि IGP जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने अभी अभी बताया कि ये जो हमला है ये जैश ए मोहम्मद ने किया है, और जो भी अपराध इसमें मुलविस थे हमने उन्हें उनकी शिनाख्त जो है वो हो गई है बिल्कुल। और आखिरी इतला जो है पुलिस की तरफ से वो यही है कि अगर बताएं कि DGP या IGP ने सबसे पहले यौम आजादी के मौके पर हाई अलर्ट जारी किया गया था, फोर्सेज को अलर्ट रहने को कहा गया था, लेकिन पता नहीं किस तरह से आज सुबह पुलिस पार्टी पे हमला हुआ नौगाम बाईपास में। और साथ ही साथ IGP ने यह भी बताया है कि जो तीसरा जो पुलिस एहलकार जख्मी है उसकी जो हालत है वो बहुत ही तश्वीशनाक बताई जा रही है। जी आशिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान। इरफान हमें तफसीलात से आगाह करा दे। नाजरीन, आपको ये भी बता दे कि एक रोज कबल ही हैगाम के करीब एक और हमला हुआ था, जिसमें एक फौजी जवान जो है वो भी शदीद जख्मी हुआ था, और आज ये हमला होना सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक सबसे बड़ी चूक मानी जा सकती है। महज एक दिन बाकी है यौम आज़ादी हिंदुस्तान की, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हमले, इतने बड़े हमले होना, ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक तश्वीशकुन बात है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ।